के आसन में अब चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज परमेश्वर है, आए उसके उपवन में, आओ चले मार्ग और सत्य वही, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही, प्रकाश है सारी जग का वो, जूदी भरने तन मन में, आओ चले प्रभु के मंदिर में, मस्तक हो उसके आसन में, वही पूज परमेश्वर के, गाए उसके उपवन में, आओ चले पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आज हम अपनी माँ माता मरियम का जन्म दिवस मना रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन मुक्तिदाता की माँ माँ मरियम का जन्म हुआ है, हम सबके मुक्ति का उदय हुआ है, और हम यहाँ इस पवित्र तीर्थ स्थान पर कृपाओं की माता के इस श्राइन पर हम पहुँचे हैं उस माँ के जन्म दिवस को मनाने के लिए। ये हमारे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है कि कृपाओं की माता के संरक्षण में हम इस पवित्र जगह पर हम उस माँ के जन्म दिवस मना रहे हैं। जब हम किसी के जन्म दिवस के लिए जाते हैं, ज़रूर बर्थडे गिफ्ट यानी तोहफा लेकर जाते हैं। आज अपनी माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष में कौन सा तोहफा हम उसको देने के लिए तैयार हैं, अपनी माँ के लिए कौन सी तोहफा प्रिय है, जरूर उस माँ को प्रिय यही होगा कि उसके बेटे बेटियां पवित्र बनकर अपने आप को उसको समर्पित करें। उन्होंने हमसे पहले ही कहा, वो तुमसे जो कुछ कहें वही करना। माँ मरियम ये चाहती है कि उसके बेटे बेटियाँ अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के वचन अनुसार जीवन बिताएं, उसके शिक्षा अनुसार जीवन बिताएं, कार्य करें और पवित्र बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के सभी बातों का माने और उसके अनुसार जीवन बिताएं, यही माँ को प्रिय है।
तो यदि हमें आज उसके लिए बर्थडे गिफ्ट देना है तो यही उचित तोहफा है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए, पापों के लिए, त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें, सच्चे दिल से पछताकर, प्रभु से क्षमा मांगकर, पवित्र बनकर, एक पवित्र हृदय के तोहफा हम माँ मरियम को चढ़ाने के लिए प्रयास करें, यही माँ को प्रिय है। आज माँ मरियम के जन्मदिवस मनाते समय हम विशेष रूप से अपनी माँ से प्रार्थना करें। पूरे विश्व में कोरोना महामारी से लोग पीड़ित हैं, कितने अनगिनत लोग मर चुके हैं, हमारे देश में भी ये फैलते जा रही है, कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। हम अपनी माँ से प्रार्थना करें, वो माँ अपनी दया से मनुष्य जाति के भलाई के लिए, मुक्ति के लिए इस दुनिया में वो जन्म लिया है, वही माँ उस मनुष्य जाति की देखभाल करें, वही माँ हम सबको इस महामारी से बचाए रखें, वही माँ जो इस महामारी से पीड़ित हैं उन सबको चंगाई मिलने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से मध्यस्थ प्रार्थना करें, वही माँ इस कोरोना महामारी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें, वही माँ इस महामारी को रोकने के लिए जो वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है उसमें अपनी कृपादान बरसाने के लिए हम आज इसमें सबलदान में प्रार्थना करें। आइए उस माँ को धन्यवाद देते हुए उसके जन्म दिवस के उपलक्ष में इस पावन मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपनी गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए सच्चे दिल से पछताकर प्रभु से माफी मांगे। आज भारत की कलीसिया माँ मरियम के जन्म दिवस मनाते हुए गर्ल चाइल्ड डे भी मना रही है। माँ मरियम का जन्म दिवस गर्ल चाइल्ड डे के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। आज इसमें सबलदान में विश्व भर के बालिकाओं के लिए हम प्रार्थना करें ताकि उनको स्वीकृति मिले, उनको सशक्त बनाए, उनको बराबरी का प्यार और सब कुछ मिले, वे भी समाज में बराबरी का प्यार पाकर लड़कों के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर अपने उज्जवल भविष्य को साकार करते हुए अच्छी तरह इस समाज में जीवन बिताने के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुआरी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Yeah.
महिमा। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा तेरा गुण गान हो सदा तेरा गुण गान हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी तू बलशाली पिता हमारे तेरा गुण गाओ सदा तेरा गुण गाओ सदा। परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के बलि तुम्हें बने पाप लेते सुन लो बिन्दी हमारी सदा सुन लो बिन्दी हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन तू ही प्रभु है पिता के दादिन तू ही राजमा पावन आत्मा संग समाये तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें हे ईश्वर क्रिस्त के जन्म से तेरे सेवकों की मुक्ति का प्रारंभ हुआ उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपा दान बरसा और हमारा हृदय शांति से भर दे। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं आमीन। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी विधान के अनुसार बुलाए गए हैं ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों को भाइयों का पहलावता हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमानित भी किया। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद।
मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित जो मेरी आत्मा तेरा सदा समाचार प्रभु की जय।
मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वह सचमुच वह पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से यीशु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज हम माँ मरियम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हर वर्ष 8 सितंबर को हम माता मरियम के जन्म दिवस मनाते हैं। ये दिसंबर 8 तारीख हम लोग माँ मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाए और दिसंबर 8 तारीख से सितंबर 8 तारीख तक पूरे 9 महीने हो गए हैं और अपने गर्भ में होने के बाद माता मरियम 8 सितंबर को जन्म उसका हुआ है और आज उसका जन्म दिवस हम मना रहे हैं। माँ मरियम के जन्म के बारे में धर्म ग्रंथ में चर्चा कहीं पर भी नहीं किया गया है, लेकिन परंपरा के अनुसार हमें कुछ बातें मालूम है। एक परंपरा ये कहती है कि माँ मरियम का जन्म नाजरेत में हुआ। एक अन्य परंपरा ये कहती है कि माता मरियम का जन्म यरूशलेम में हुआ। प्रोटो इवांजेलियम जो संत याकूब का है, संत याकूब ने एक सुसमाचार लिखा है प्रोटो इवांजेलियम, उसके अनुसार ये बताया गया है कि माता मरियम के माता पिता संत अन्ना और जोआकिम वे बांझ थे, पुत्र प्रसव नहीं कर सकते थे, वे बूढ़े हो चले थे और उनको कोई संतान नहीं हुआ और वे बड़े भक्ति से भरोसे के साथ विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करने लगे एक संतान के लिए और उनकी प्रार्थना सुनी गई और उस प्रार्थना के फलस्वरूप माँ मरियम उन माँ संत अन्ना के गर्भ में ठहर गई और संत अन्ना ने माता मरियम को जन्म दिया
आज हम उसके इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। माता मरियम, वो हम सबके लिए इस दुनिया में जन्म ले। जब हम माँ मरियम के जन्म दिवस को मनाते हैं, हम विशेष रूप से मुक्ति के कार्य में उसका जो योगदान है उस पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वो विशेष रूप से ईश्वर के साथ चुनी गई है। मुक्तिदाता ईश्वर की मां बनने के लिए चुनी गई है, और इसलिए मां मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होती है। वो अपने जन्म के पहले ही, जब वो अपनी मां के गर्भ में उत्पन्न हुई, उस समय से आदि पाप और सभी पाप से बचा के रखी गई थी, और इसलिए उसको कहते हैं निष्कलंक गर्भागमन। और जब वो दूत का संदेश सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में ग्रहण करती है, तो वो यीशु वचन की शक्ति से है। स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम से ये कहता है, जब मां मरियम उनसे ये कहती है ये कैसे हो सकता है, तब उसने मां मरियम से ये कहा, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो यानी ये ईश्वरीय शक्ति से ही है। और उस समय मां मरियम ने इस वचन को स्वीकार किया और उस समय से वो प्रभु यीशु मसीह की मां बनी। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माता मरियम पहले भी कुंवारी थी और प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के बाद भी कुंवारी थी, क्योंकि जैसे अन्य स्त्रियों की तरह एक पुरुष के साथ संसर्ग होने से ये पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, एक पुरुष के साथ संबंध होने से मां मरियम गर्भवती नहीं हुई है। सुसमाचार में बड़े सुंदर रूप से लिखा गया है, जब प्रभु योसेफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी, लेकिन ये कहा गया है योसेफ के साथ रहने से पहले ही मां मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है, और इसलिए मां मरियम सदा कुंवारी रही है, एवर वर्जिन। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण करने के पहले ही कुंवारी थी, गर्भ में धारण करते समय कुमारी थी और उसके बाद अंत तक कुंवारी रही, सदा कुंवारी रही। ये मां मरियम की विशेषता है, महानता है, पवित्रता है। इससे ये प्रकट होता है ये ईश्वरीय कार्य है। और इसलिए माता मरियम के प्रारंभ से ही अपनी मां संदन्ना के गर्भ से, वो रचने से पहले से ही ईश्वर के द्वारा चुनी गई, ईश्वर के द्वारा उसको तैयारी की गई और अपने इकलौते बेटे पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति के मां बनने के लिए वो तैयारी की गई, और इसलिए वो सदा कुंवारी रही और ईश्वर की शक्ति की छाया उस पर सदा बनी रही। और इसलिए मां मरियम महान है और इसलिए मां मरियम को ईश्वर की मां घोषित किया गया है और स्वर्ग पृथ्वी की रानी का मुकुट मिला है। ये है मां मरियम की महानता। और आज हम सौभाग्यशाली हैं उस मां के इस पुण्य स्थान पर, कृपाओं की माता के इस चमत्कारी तस्वीर के सामने हम ये मिसल बलिदान चढ़ाकर उस मां के जन्म दिवस को मना रहे हैं। हम ये कह सकते हैं नो मेरी नो जीसस, यदि मां मरियम नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में जन्म लिया है वो नहीं है। इतना महत्व है उस मां का, इसलिए क्योंकि वो यीशु वचन को स्वीकार किया, वो भी
एक साधारण मनुष्य थी। आजकल दूसरे लोग बोलेंगे कि कैथोलिक लोग माता मरियम की क्यों आराधना करते हैं, उसको क्यों इतना दर्जा, ऊंचा दर्जा देते हैं। हम माँ मरियम की आराधना नहीं करते, हम सिर्फ ईश्वर की आराधना करते हैं और किसी की नहीं। लेकिन हम माँ मरियम की श्रद्धा करते हैं, माँ मरियम को मानते हैं, माँ मरियम की महिमा करते हैं, माँ मरियम की महानता को बखानते हैं। क्योंकि माँ मरियम मनुष्य होने के बावजूद भी विशेष रूप से ईश्वर के द्वारा चुनी गई है और वो उस बुलाहट को स्वीकार करते हुए अपने आप को ईश वचन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया है। ये माँ मरियम की महानता है और ये महानता हर बपतिस्मा पाए हुआ क्रिस्त की महानता है। हर बपतिस्मा पाए हुआ क्रिस्त माँ मरियम जो पहला क्रिस्त है उसके जैसा बनना है। तो इसलिए माँ मरियम की भक्ति जब हम कर रहे हैं उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पहला क्रिस्त है और वो सभी क्रिस्तियों का आदर्श है। माता मरियम का जीवन हर क्रिस्त के आदर्श है और इसलिए उचित रूप से प्रभु यीशु मसीह ने उसे हर मनुष्य जाति के सभी मनुष्य जाति के माँ बनाया है। बैतलहम के गौशाला में माँ मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया, लेकिन क्रूस के नीचे खड़े होकर प्रसव पीड़ा से भी ज्यादा दुख सहकर माँ मरियम बैतलहम के गौशाला में इतना दुख नहीं सहा जब प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, लेकिन उससे भी बढ़कर वे क्रूस पर अपने इकलौते बेटे को देख रही थी मरते हुए और उस प्राण पीड़ा सहते हुए वो मनुष्य जाति को जन्म दे रही है। क्रूस के नीचे मनुष्य जाति की माँ बन रही है और इसलिए माँ मरियम हर बपतिस्मा पाया हुआ क्रिस्तिय का एक ज्वलंत उदाहरण है, आदर्श है। हम सबको उसके जैसा बनना है, हम सबको उस माँ के जैसा बनना है। आज माँ मरियम का जन्म दिवस मना रहे हैं। मैंने प्रारंभ में ये कहा उस माँ को हम कौन सा बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं और मैंने ये कहा कि उसके लिए उचित जन्म दिवस की तोहफा यही हो सकता है कि वो माँ अपने हर बेटे बेटी को अपने सम्मान पवित्र बनाना चाहती है। वो माँ हर बेटे बेटी को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जगह पर हम सबको बेटा बेटी मानी है, उसी के जैसा वो हम सबको देखना चाहती है। आज हम सबको ईश वचन को ग्रहण करके अपने आप को ईश वचन के अधीन बनाकर ईश वचन के अनुसार जीवन बिताकर कार्य करते हुए प्रभु यीशु मसीह जैसा बनकर उस माँ के योग्य पुत्र पुत्रियां बनना है। यही है उस माँ के लिए उचित और मनपसंद जन्म दिवस की तोहफा। आज हमें ऐसा बनने के लिए अपनी माँ हमें बुला रही है। तो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं उस माँ में। सबसे पहले काना के उस विवाह पर माता मरियम उन सेवकों से क्या कहती है, वो तुमसे जो कुछ कहे वही करना। एक तरह से आज माँ मरियम अपने जन्म दिवस के अवसर पर हम सबसे ये कहती है, मेरा बेटा तुमसे जो कहता है, यानी ईश वचन के द्वारा, धर्म ग्रंथ के द्वारा जो भी शिक्षा उसका आपको मिली है उसके अनुसार जीवन बिताना, वो तुमसे जो कुछ कहे वही करना। आज भी प्रभु यीशु मसीह ईश वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं और माँ हमारे पास खड़े होकर कहती रहती है, वो तुमसे जो कुछ कहे वही करना। क्या हम ईश वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए तैयार हैं? माँ मरियम ने बनाया है और वैसा ही वो हमें भी चाहती है बनने के लिए। दूसरा है क्रूस के नीचे खड़े होकर माता मरियम प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जाति के लिए दुख उठाने के लिए मदद करती है।
आज वो माँ हम जब दुख सहते हैं अपने जीवन में हमारे पास खड़े होकर हमारे साथ मिलकर जिस रूप से वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए क्रूस मरण सहने के लिए क्रूस के दुख सहने के लिए मदद किया है, उसी रूप से आज वो माँ हमारे दुख दर्द में हमारे परेशानियों में हमारे बीमारी में हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ रहकर उसका सामना करके ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें मदद कर रही है। ये दोनों बातें एक अति सुंदर है आज हमारे लिए। विश्व भर में आज COVID-19 महामारी का सिलसिला है, सारे मनुष्य जाति इससे प्रभावित हैं, सारे मनुष्य जाति के ऊपर इसका कुप्रभाव है। हम सभी लोग परेशान हैं, अनगिनत लोग मर चुके हैं इस COVID-19 महामारी के कारण, कई लोग पीड़ित हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा सह रहे हैं, परेशान हैं। क्या वो माँ हमारे साथ खड़ी नहीं रहेगी? आज इस परिस्थिति में वो माँ हमारे साथ हैं, वो माँ हमारे साथ रहकर हमें मदद कर रही है, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रही है और चाहती है कि हम अपने उनके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह जिसके जगह पर हम बेटे बेटी बन गए हैं उनके जैसा इस पीड़ा को इस दुख को इस महामारी को सामना करने के लिए माँ आज हमें बुलाती है। वो पहला क्रिस्तीय है, वो आज हमारे लिए आदर्श है। पहला क्रिस्तीय होने के नाते आज हम उसके जीवन में क्या देखते हैं वो हमारे जीवन बनना चाहिए। इस वचन को जैसे उसने स्वीकार किया उसका जीवन बदल गया। उसके पहले उसके मन में अपने जीवन के लिए अपनी योजना थी, अपना सपना था। योसेफ से मंगनी हो चुकी थी और योसेफ से शादी करके एक बड़ा परिवार बना के एक बहुत संतान उत्पन्न करके ईश्वर के आशीष प्राप्त किए हुए एक जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन जब ईश्वर की इच्छा स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा उसको प्रकट हुआ उसने सब कुछ को बदल डाला, अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा अनुसार बनाया। हम क्या देखते हैं उस इच्छा के आगे वो उसने अपने आप को समर्पित किया। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। सबसे पहली बात हम माँ मरियम में यही देखते हैं, उसका जीवन ईश वचन के अनुसार बना। वो ईश वचन के रिश्ते में जुड़ गई, खून के रिश्ते में नहीं, भाषा भाषिक रिश्ते में नहीं, जाति के रिश्ते में नहीं और देश के रिश्ते में नहीं, बल्कि ईश वचन के रिश्ते में जुड़ गई। और इसलिए जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं तब कुछ लोग आकर माँ मरियम और भाई बहन उनसे मिलने आए हैं। एक व्यक्ति प्रभु के पास जाकर कहते हैं, आपकी माँ आपके भाई आपके बहन आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई और बहन, कौन है मेरे परिवार वाले, कौन है मेरे रिश्तेदार? यही जो ईश वचन सुनते और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। उस समय वो अपनी माँ के असली रिश्ते को हमारे सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं, मेरी जो बाहर खड़ी है मुझसे मिलना चाहती है, हाँ वो मेरी माँ है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसी माँ नहीं है। तुम सोच रहे हो कि उसने मुझे अपने गर्भ में 9 महीना रखकर मुझे जन्म दिया इसलिए वो मेरी माँ है, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए मेरी माँ है क्योंकि उसने ईश वचन को सुना और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए और इसलिए वो मेरी माँ है। यहाँ प्रभु से साबित करते हैं। तो माँ मरियम के जीवन में हम देखते हैं सबसे पहली बात, वो ईश वचन के अनुसार अपने जीवन को बना देती है और ईश वचन के रिश्ते में जुड़ जाती है। आज हम उस माँ के जैसा बनने के लिए अपने आप को उस माँ के जन्मदिवस पर एक अच्छे तोहफा देने के लिए ईश वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाना चाहिए। वो तुमसे जो कुछ कहे वही करना, ये हमारे जीवन में लागू होना है। दूसरी बात हम माँ मरियम में देखते हैं कि वो उस समय से
जैसे यीशु वचन को स्वीकार किया, वो अपने लिए नहीं जी रही है, दूसरों के लिए जीने वाली बन गई है। इसलिए अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास जाती है, उसकी जरूरत में मदद करती है और उसकी सेवा में अपने आप को सौंप देती है, दूसरों के लिए जी रही है। अदर ओरिएंटेड, और उसके दिल में संवेदनशील है एक दूसरे के प्रति, उसके दिल में उदारता है। शी बिकम्स सेंसिटिव एंड जेनरस, और हर व्यक्ति जो यीशु वचन को स्वीकार करता है वो भी अपनी माँ की तरह अदर ओरिएंटेड, दूसरों के लिए जीने वाले और संवेदनशील और उदार दिल वाले बनना है, तभी हम माँ मरियम की जैसा बन सकेंगे। चौथा, तीसरा, माता मरियम सब कुछ के लिए, भला बुरा और अपने जीवन में जो भी घटता है, दुख सुख सब कुछ के लिए, सब परिस्थिति के लिए ईश्वर की स्तुति करती है, धन्यवाद देती है। उसका जीवन हर क्षण एक ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद का जीवन बन जाता है, सब कुछ के लिए धन्यवाद देती है। आज हर क्रिश्चियन का, आज हम लोग यदि माँ मरियम के लिए उचित बर्थडे गिफ्ट बनना है तो हमें भी अपने जीवन में सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना है, धन्यवाद और स्तुति का जीवन हमारा बनना है, जैसे माँ मरियम का जीवन धन्यवाद और स्तुति का जीवन बना। वो एलिजाबेथ के साथ मिलकर ये कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। तो उसी रूप से हम हरे को हर क्षण उस माँ की तरह बनकर सब कुछ के लिए सदा सर्वदा प्रभु को स्तुति करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। चौथी बात, माँ मरियम में क्या देखते हैं, उसका जीवन हमेशा आनंदमय जीवन बना, आनंद में परिपूर्ण थी। क्रूस के नीचे खड़े होकर भी वो बेहोश नहीं थे, बल्कि उस दुख में भी ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, ईश्वर की महिमा कर रही थी, प्रसन्न हो रही थी, प्रसन्नता से अपने इकलौते बेटे को मदद कर रही थी। ये माँ मरियम का जीवन है, उसका दिल आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि ईश्वर उसके दिल में है जो आनंद का स्रोत है। हर क्रिश्चियन का जीवन आनंद से भरा हुआ होना चाहिए, इसलिए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, ये ग्लूमी क्रिश्चियन इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी एक सच्चा क्रिश्चियन कभी उदास चेहरा वाला, उदास दिल वाला नहीं बन सकता है, क्योंकि हर क्रिश्चियन में ईश्वर उपस्थित है, आनंद का स्रोत ईश्वर हम में है, इसलिए हमें भी हर वक्त आनंद में जीवन बिताना है। तो हमारा जीवन माँ मरियम का जीवन बनने के लिए आज अपने आप को पवित्र बनाकर एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट माँ मरियम के जन्मदिवस में हमें देना है, तो हमें सबसे पहले हमारे जीवन को ईश्वर वचन के अनुसार बनाना है, हमारा जीवन दूसरों के लिए जीने वाला बनना है, संवेदनशील और उदार दिल वाले बनना है, और तीसरा, हर वक्त हर क्षण सब कुछ के लिए सदा सर्वदा स्तुति और धन्यवाद देना है। हमारा जीवन स्तुति और धन्यवाद का जीवन हर क्षण बनना है। और फिर आखिर में चौथे में कि हम लोग आनंद में जीवन बिताने वाले बनना चाहिए, जैसे ऐसे जीवन, ये एक क्रिश्चियन का जीवन है, ऐसे जीवन बिताने से हम माँ मरियम के योग्य पुत्र पुत्रियां बनेंगे और यही उसके लिए एक उचित जन्म दिवस की तोहफा, एक बर्थडे गिफ्ट बनेगा। आइए आज हम माँ मरियम के जन्म दिवस को इस प्रकार मनाने के लिए प्रयास करें। आज विश्व भर के गर्ल चाइल्ड के लिए प्रार्थना करें, विश्व भर के सभी बालिकाओं के लिए प्रार्थना करें, कई जगह पर उनका शोषण हो रहा है, गर्भ में ही उनका हत्या किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, परिवार में उनके भाइयों के साथ भेदभाव दिखाया जा रहा है, प्राथमिकता नहीं दिया गया है, उनको नीचा दिखा रहा है, हर जगह पर समाज में उनके प्रति शोषण किया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड और स्त्रियों के ऊपर शोषण किया जा रहा है। माँ मरियम एक गर्ल चाइल्ड थी और उसके अनुसार सभी गर्ल चाइल्ड पवित्र हैं, और इसलिए आज हम हरेक इस सत्य को पहचानते हुए माँ मरियम को अपनी माँ बनाकर, एक पहला क्रिश्चियन मानकर, एक सच्चे उदार आदर्श
ख्रीस्त मानकर हर गर्ल चाइल्ड को उसके उचित स्थान दें, उनको बढ़ावा दें, उनको प्राथमिकता दें, उनको स्वीकार करें, उनको सही बराबर दर्जा दें, और इसलिए इस तरीके से वे लोग सशक्त किए जाएंगे। आइए आज हम इसके लिए भी माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करें। शक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने पवित्र समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से वरदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करें। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कुआरपन पवित्र किया है। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के जन्म दिवस के अवसर पर तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुमारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन है, पावन है।
पावन है, पावन अति पावन। हुसाना 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 हुसाना। सुरभिदरा महिमा से तेरी पूरित है, सुरभिदरा महिमा से तेरी पूरित है। हुसाना 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 हुसाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर गाती है, धन्य है जो प्रभु के नाम पर गाती है। हुसाना 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 हुसाना। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांदे भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बनते रहें।
प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों तेरे इस दीन सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु हमारे उन बंधुओं की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर संत योसेफ प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप कर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप कर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप कर लेता है हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं हमारे विचारों दंड का कारण है मने पर कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित एवं स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। ये प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए तू एक शक्ति भर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ तथा अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ।
क्योंकि इस समय सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए, मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ, मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तूने अपनी कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुआरी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुआरी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीर्वाद देता रहे। जिन धन्य कुआरी के द्वारा आप लोगों को जीवन दाता प्राप्त हुए हैं, उसके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आज आप लोग भक्ति भावना से भरकर मां मरियम का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इन्हीं की कृपा से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदाले प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ओ प्यारी माँ आए हैं पास।
मां मरी